बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं फूड रेसिपी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं देग वाली मटन बिरयानी, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो तरकीब बताऊंगी, लेकिन पूरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, एक भी चीज़ मिस नहीं कीजिएगा। फिर बाद में ये मत शिकायत कीजिएगा कि ऐसी मेरी बिरयानी नहीं बनी। देखें, सारे चावल बिल्कुल भरहरे भरहरे हैं, वाइट भी अलग है, कलर भी अलग है, और कोई किसी के साथ भी मिक्स नहीं हुआ हुआ, और हर चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पे सेट है। तो चलें चलते हैं अपने आगे प्रोसेस की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो को, जिसको ये रेसिपी देखनी हो तो उन तक भी रेसिपी पहुंच जाए। तो चलें अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने मटन का गोश्त ले लिया, और ये जो मैंने गोश्त लिया है ये रान का गोश्त है, और ये मैंने जो कटवाया है इसको मशीन से कटवाया, क्योंकि मशीन की जो कटिंग होती है बिल्कुल एक्यूरेट होती है। जब हम लोग उससे कटवा रहे होते हैं तो वो टूट जाती है, और मतलब ख़तरनाक भी होती है। तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करके आपके सामने इसको रख देती हूँ। तो क्योंकि मेरे घर में कम फैमिली है तो हम लोग ज़्यादा गोश्त नहीं खाते, क्योंकि 3 लोग हैं तो उसमें ज़्यादा नहीं होता। तो ये देखिए, ये तो पूरी गोश्त है, इसको मैं आधा आधा करूँगी, पूरा नहीं लूँगी। ये देखिए सब पूरा मशीन से ही बना हुआ है। तो मशीन से ज़्यादातर आप लोग कटिंग करके लिया करें, वैसे मत लिया करें, क्योंकि वो कट जाता है तो फिर अजीब सा हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा मशीन से लेती हूँ, मर्ज़ी आप वैसे लें या जैसे भी लें, सब टू यू। ये देखिए तो ये बेसिकली रान का गोश्त है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आपकी अपनी पसंद के लिहाज से लीजिए आप जैसा गोश्त आप लोग खाते हैं। तो इसको आप चिकन में भी कर सकते हैं, मटन में भी कर सकते हैं, बीफ में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेशली मटन लिया है क्योंकि मटन बिरयानी लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं और मेरे घर में वही खाई जाती है। तो चलें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने गोश्त ले लिया है, अब इसके अंदर सबसे मेन चीज़ लगेगी मैरिनेट करके, मुझे इसको रखना है कच्चा पपीता। तो पपीते को पीस के मैंने रख दिया था, और फ्रीज़र कर देते हैं हम लोग। उसके बाद मैं इसको गोश्त में लगाऊंगी। इसको मैं मैक्सिमम लगा के रख दूंगी 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के लिए, इसको मैं लगा के छोड़ दूंगी। लेकिन अच्छी तरीके से पूरे गोश्त में इसको मिक्स करना है, ये नहीं है कि एक जगह लगाया और एक जगह इसको छोड़ दिया। ये देख ली, अच्छी तरीके से इसको रैप कर दिया मैंने इसके अंदर कच्चा पपीता,